राजधानी देहरादून की जिला अधिकारी सोनिका मीणा ने ऋषि परणा सभागार में जनता दरबार लगाया। जिलाधिकारी ने कहा कि आज जनता दरबार में लगभग 100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई है। अधिकतर शिकायत जमीन के विवाद को लेकर देखने को मिली है। प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट्स की शिकायतें सबसे अधिक देखने को मिली है। यह बहुत अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। प्राइवेट डिस्प्यूट के बारे में जिलाधिकारी ने कहा कि सीनियर सिटीजन्स की शिकायतें अभी लगातार जनता दरबार में पहुंच रही है। इसके अलावा बिजली, पानी और आपदा की शिकायतें भी रेगुलर आती रहती हैं, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश जारी किए गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। करीबन 100+ शिकायतें हमारे पास और आज ज्यादातर शिकायतें लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड थी, प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट से ज़्यादा रिलेटेड थी कि अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है या कब्ज़ा नहीं दिया है या रजिस्ट्री करा दी है, पेमेंट देने के बाद भी कब्ज़ा नहीं हुआ। इस तरह की बहुत अलग अलग तरह की शिकायतें हैं प्राइवेट डिस्प्यूट्स के बारे में। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स की हमारे यहाँ आ रही हैं शिकायतें रेगुलर बेसिस पे, और बिजली, पानी या आपदा वो तो हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आती है, लेकिन ये दो प्रोमिनेंट थी।